मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारा टॉपिक से संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। आज हम संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में संविधान के भाग तीन में उल्लेखित जो सात मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19 एक च एवं अनुच्छेद 31 में यह वर्णित था। अनुच्छेद 19 एक च प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने, निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, को अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। ये राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। पहला आधार, इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, और दूसरा आधार, इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा। इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए, उनमें पहला, चौथा, सातवां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां संशोधन शामिल है। इन संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग को जोड़ा गया, और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग तीन में अनुच्छेद 19 एक च और अनुच्छेद 31 को निरसित किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 क को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, यद्यपि यह मूल अधिकार नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। इस संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह, जैसा कि मूल अधिकारों से अलग है। वर्तमान में यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार तो है, विधिक अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है। ये मूल अधिकारों से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहला, इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम, पुनः निर्धारित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि संपत्ति के अधिकार को एक साधारण कानून के तहत हम उसमें नियमित कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं या उसको पुनः निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों को हम संविधान संशोधन के द्वारा हटा नहीं सकते हैं, पुनर्निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं करता। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसमें रिट शामिल है, के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में भी नहीं जा सकता। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता, लेकिन 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता।
राज्य द्वारा, चौथा राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की गारंटी भी नहीं मिलती इसको। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग तीन से समाप्त कर दिया गया है। भाग तीन में अब भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा, इन दो मामलों में भुगतान होगा। जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, और जब दूसरा जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है या भूमि संविधिक निर्धारित सीमा के अंदर हो। 31 कह के थे तो पहली व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत। इस तरह अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग को मूल अधिकार के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया है।